करो, ये पहली श्रद्धा गुरु को अर्पण, दूसरी ईश्वर को, तीसरी ब्रह्म को, फिर पार ब्रह्म को और फिर महाकाल पुरुष को, और चौथी श्रद्धा ये आरती की सतपुरुष को अर्पण। जितने भी 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, उनको ये श्रद्धा अर्पण। जितने भी देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उनकी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे और मतलब ये देवस्थान गंगा जमुना काबा, उन सब को प्रणाम श्रद्धा अर्पण। जितने भी मतलब भूत पिशाच, इन सब लोगों को ये आरती की श्रद्धा समर्पण। जितने भी मनुष्य इंसान आदमी जितने भी है, उन सब को ये श्रद्धा। सब लोगों को चाहिए कि ये वतन, ये देश अपना है। सब लोगों को चाहिए, सभी कौमें, सभी जातियां, छोटी बड़ी मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के काम, जिसको जैसी जरूरत पड़ जाए, बड़े उत्साह के साथ, सम्मान के साथ उसकी सेवा में हाथ बटाए। इस तरह से हम लोग सब अपने अपने जीवन को विचार से ले चलेंगे तो दफ्तर और खेती दुकान के काम भी अच्छे हैं। जो भी आमदनी हो, भारत की संपदा जनता की है, इसकी सबको रक्षा करनी चाहिए। जब सब लोग अपनी भूमि और अपना वतन जब ये समझेंगे कि हमारा है, तो सब लोग जैसे पूर्व में लोग रहते थे, उसी तरह से सब लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से आनंद के साथ रहने लगे। साथ ही साथ में ऋषियों मुनियों का ये देश था, जिसको आपने छोड़ दिया और आपने अपने मार्ग को मानवता के भूल गए, आध्यात्मिक कल्याण का भी रास्ता आपने बंद कर लिया, तो अब महात्माओं की, फकीरों की अब जरूरत है। हर मनुष्य और इंसान को फकीर महात्मा चाहिए। बिना इसके अब कोई रास्ता किसी तरह का भी आपको घर में, समाज में, देश में, यानी राष्ट्र में और धर्म में आपको दिखाई नहीं देगा। ये हमारी मानव अपराधी बुद्धि जब हत्यारी बन जाती है तो घर का नाश कर देती है, घर में झड़ाई होती है, बच्चों में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, अड़ोस पड़ोस में आ जाएगा, समाजों में झगड़ा और विकराल रूप धारण कर लोगे। और अपराधी हत्यारी बुद्धि अगर राज में, तो सारे राज उसे किसी भी मानव को किसी प्रकार का भी आराम और नहीं मिल सकता। अगर मानव हत्यारी, ये अपराधी बुद्धि हत्यारी धर्म को इसमें प्रवेश हो गई, तो सारे जितने भी मजहब और धर्म सब नाश होता है। चाहे वो मुसलमानों के हो, चाहे वो हिंदुओं के हो, चाहे सिखों के हो, चाहे ईसाई के, छोटे बड़े जितनी भी देवी देवता हो, केवल मतलब एक कल्पना मात्र रह जाएगा, बाकी सब खत्म।